या एस आया हो तो, या फिर डू या डज आया हो, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? हर्ष यादव बेटा, जब किसी सेंटेंस में वी वन प्लस एस या ई एस दिया हो तो उसकी वॉइस चेंज करते समय हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? हर्ष यादव ये हर्ष बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, फिर क्या फायदा आपका क्लास लेने का? कम से कम यस नो तो बोलिए, आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, बस टाइम वेस्ट मत करो। हर्ष माइक ओपन कीजिए बेटा। यस सर। हाँ बताइए, किसी सेंटेंस में मान लीजिए वी वन प्लस एस या एस दिया है, जब इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? नहीं पता। आपको पता है? ओके चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बरखा, सेवंथ हल्का से। इज एम आर और डूडज हो तो, डूडज हो तो देखिए, डू और डज हो तो डू और डज को हटा देंगे, सेंटेंस में हटा देंगे डू डज को, और इसकी जगह भी हम इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, इज एम आर का यूज करेंगे। अब बताएगा हितेश तंवर। हितेश तंवर माइक ओपन कीजिए बेटा। हितेश, हितेश बताइए यस सर। अब आप हेलो मेरे को ये बताइए, इज हेल्पिंग वर्ब जो है इसका यूज हम किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? सर, नहीं पता। पता है? नहीं पता। लॉकडाउन की जय हो बेटा, लॉकडाउन की जय हो। कुछ नहीं, सब कुछ भूल गए, साफ होते जा रहे हो। क्यों? ये क्लास में 5-10 मिनट पढ़ लेते, उसके बाद आप नोटबुक उठा के देखते नहीं, कभी कोई बुक खोल के नहीं देखते हो, घर वालों का कहना नहीं मानते हो। प्रशांत, प्रशांत माइक ओपन कीजिए बेटा। प्रशांत यस कैसे हो बेटा? सर, ठीक है। अच्छा ठीक हो। तो अभी आप ये बताइए कि ईद का यूज हम किस किस के साथ करेंगे? ईद सर, है, इसका यूज सिंगुलर सिंगुलर के साथ है। के साथ, और सिंगुलर तो हो गया, और बताओ। सर कोई भी नाम। सर वेरी गुड, कोई भी नाम हो, और बताओ, क्या बताओ बेटा? नहीं पता? अरे नहीं पता क्या? नो सर। देख लो बेटा,
ये आपकी हालत ये हो गई है, आपकी हालत ये होगी। गौरी बताएगी, गौरी बता बेटा, इसका यूज किस किस के साथ करते हैं? सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसी नाम के साथ। वेरी गुड, इसके आगे? यहाँ तक तो इसने बता ही दिया, आगे बताओ। कोई नहीं पता, शायद नहीं पता ना, शर्म मत करो, बता दो यस या नो। नहीं बता बेटा, विनय पुनिया। सर ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सर इज। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ इतनी देर हो गई, कितने दिन हो गए, पहले टेंस करवाए उसके बाद आपको वॉइस करवा रहे हैं, कितनी बार बता दिया बेटा इज का प्रयोग? ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं, कितनी बार बता दिया आपको ये बात? अरे आप एट्थ में हो रहे हो, आपको फिफ्थ में बताया होगा, फोर्थ में बताया होगा, सिक्स्थ में बताया होगा, सेवंथ में बताया होगा, एट्थ में भी बताया है, लेकिन ये क्या है कि आप अपनी बुक्स खोल कर ही नहीं देखते। अब खोल कर नहीं देखोगे तो आपके साथ यही हाल होगा। उस दिन के बाद मेरे को ये लग रहा है यदि लॉकडाउन ऐसे ही चल रहा तो आप अपने नाम की स्पेलिंग भूल जाओगी। देख लो, मेरे को ऐसा लग रहा है, और कुछ बच्चे का नाम ही भूल जाएंगे कि नाम क्या है मेरा, कुछ एक स्कूल भूल जाएंगे कौन से स्कूल में पढ़ता था मैं। ऐसे लग रहा है कि जब आपको ये नहीं पता कि इज का यूज किसके साथ करना है, आई ही क्या हो गया, इज का यूज किसके साथ बताया, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, कैट, डॉग, एनिमल, ट्री, और एनी नेम, कोई भी नाम हो, ही सी इट सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम यूज करते हैं इज का, ठीक है। उसके बाद है आर का यूज, आर ये है, मैं पूछता हूँ किसे, ये बताएगी उषा सैनी, उषा, उषा माइक का, यू वी दे ब्लू सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा। वेरी गुड उषा, उषा यस सर। बेटा आपको ऐसा नहीं लग रही इसी तरह से, यदि स्कूल नहीं ओपन हुए तो आप अपना नाम भूल जाओगे, क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, चलो नेक्स्ट बताएगा कौन, ये तनुजा कुमार, आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था आपने, अब आप एम का यूज बताइए। माइक ऑफ कीजिए बेटा, तनुजा कुमार के पास शायद हमारी आवाज नहीं आ रही बेटा, तनुजा
सर आपकी आवाज इमाम सी बताएगी इमाम सी यस सर बेटा सुन पा रहे हो मुझे यस सर हेलो यस सर हाँ इंस्पेक्टर बताइए किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है एम का यूज पता है आपको नो सर नहीं पता कोई बात नहीं तो हम बताएंगे आपको आपको नहीं पता सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके पास क्या सर मेरे आपके पास सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही हेलो यस सर एम का यूज इमाम सी को नहीं पता ये विकास कौन है बेटा विकास विकास माइक ओपन कीजिए विकास यस सर बेटा आप सही एम का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है आपको नो सर सर हम बताए बेटा सियाराम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही कट कट के आ रही है एक मिनट बेटा एक मिनट
हेलो 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 यस सर यस सर हाँ बेटा सुन पा रहे हो मुझे ये बताएगा प्रिया प्रिया बताएगी प्रिया लंबा बेटा एम का यूज किसके साथ करते हैं हम एम का यूज किसके साथ होता है एम का यूज प्रिया लंबा प्रिया लंबा सुन पा रहे हो बेटा अनुज जी उषा सैनी उषा सैनी आई के साथ किसके साथ है वेरी गुड आई के साथ वेरी गुड बेटा वेरी गुड देखिए एम ऐसी हेल्पिंग वर्ब है एकमात्र ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज केवल आई के साथ किया जाएगा आई एम ठीक है आई एम एम का यूज केवल आई के साथ होगा और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा बेटा मैं आपको आगे काम है ना तभी स्टार्ट करवाऊंगा जब यहां से आगे बढ़ूंगा जो मेरे को 10 दिन लग जाए यहाँ पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ही सी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है आई के साथ किसका यूज होता है यू के साथ किसका होता है ठीक है जब तक आपको ये नहीं पता होगा आगे काम करवाने से कोई फायदा नहीं है हमें फॉर्मेलिटीज नहीं करनी आपको अच्छे से तैयार करवाना है सब कुछ है। अब आपको ये छोटी सी बात ये है कि एम का यूज आपको नहीं पता कि एम का यूज किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है बताओ 5 बच्चों से पूछ लिया किसी को नहीं पता किसी को भी नहीं पता ये बताओ अब हम चल रहे थे हम ये बता रहे थे आपको कि बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं ठीक है उसमें हमने बताया कि ही सी इट एनी नेम के साथ इज का यूज होगा आई के साथ एम का होगा यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर का यूज होगा ठीक है उसके बाद हमारी बच गई हेल्पिंग वर्ब इसी टेंस में डू और डज यदि किसी सेंटेंस में डू और डज आए तो डू और डज दोनों को सेंटेंस से हटा दिया जाएगा दोनों को सेंटेंस से हटा दिया जाएगा और किसका यूज होगा फिर डूडज हटा दिया जाएगा और डूडज की जगह पर आपको यूज करना है इज एम आर का ठीक है डूडज सेंटेंस से हटा दिए जाएंगे कैसे जैसे आई डू नॉट like you ठीक है I do not like you मान लीजिए हमारा sentence है इसमें क्या आया है do जब voice change करेंगे तो हमने क्या बताया है किसी sentence में do आए तो उसमें आपको use करना है is am या are का is am या are का ठीक है किसके according subject के according subject हमने किसको बनाया you को यू को सब्जेक्ट बना दिया अब यू के साथ इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ये कौन बताएगा किसका यूज होगा आर का लगा दिया हमने आर
यू आर, उसके बाद डू तो हटा दिया था, अब यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, नोट का, यू आर, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, लाइक्ड, बाय, और लाइक्ड बाय, आई चेंज इनटू मी, हो गया। तो पहली बात है, आपको जब सेंटेंस बनाते हो, आप सेंटेंस बनाने से पहले आप चाहे हिंदी से इंग्लिश बनाते हो या फिर वॉइस में चेंज करते हो, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। यदि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता नहीं होगा, आप वॉइस या ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, किस किस का पता होना चाहिए सेंटेंस में, आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में वर्ब है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इन तीनों चीजों का आपका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। देखिए बेटा, हमें कोई जल्दी नहीं है, यदि आपको अच्छी तरीके से कुछ सीखना है तो इन चीजों को आपके आपको अच्छी तरह से इन चीजों को पता होना चाहिए। पहली बात ये कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। ठीक है, टेंस कौन सा है, कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम सेंटेंस की वॉइस चेंज करेंगे तो कैसे करें, इसका आपको पता होना चाहिए। जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो आपको उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए कि ये पहचान कौन सी टेंस की है, और ये आ जाए तो हम किस हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है आई एम टीचिंग हिम, आई एम टीचिंग हिम। ठीक है बेटा, अब मुझे बताएगा, मैं जिससे पूछू वो ही बताए, कौन बताएगा, कौन बताएगा कौन सा टेंस है ये सर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आपको कैसे पता चला बेटा इसके बारे में, लिखा हुआ क्या सर? इसमें v1 प्लस ing आया है। तो v1 प्लस ing तो मैंने बताया था छह टेंसों में आती है सर, इसमें m आया है सर, इसके साथ एग्जामर में से m आया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, हम ing से पता नहीं कर सकते कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि छह टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये छह टेंस होते हैं जिसमें वर्ब v1 प्लस ing का यूज होता है। बट हमें क्या देखना है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एम, इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, जब इज, एम, आर का यूज हो तो उसमें हमें बींग लगाना है, क्या लगाना है, बींग। और एक सीधी सी बात है, यदि आपको वॉइस चेंज करनी है तो जिस भी सेंटेंस में आपको v1 प्लस ing दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, v1 प्लस ing दिखाई दे जाए, तो उसमें आप याद रखना कि आपको उस सेंटेंस की वॉइस चेंज करते समय बींग का यूज करना पड़ेगा। क्या लगाना होगा आपको, बींग, बींग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, अब मान लीजिए एम आ गया, यहां सेंटेंस में क्या आ गया, एम, तो आप लगाओगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। ठीक है, और यदि आ गया वॉज, यदि आ गया वॉज,
देखिए जैसे दूसरा सेंटेंस हमारा कि ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज टेकिंग टी, यहां पर भी देखिए आई एन जी फॉर्म आई है तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम, वॉज। ये अलग टेंस का है, ये अलग टेंस का है, ये जो है ये अलग का है, जिसमें एम आया है ये वॉज आया है, ये अलग का है, दोनों अलग अलग टेंस हैं। इसमें हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, नीचे वाले में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, और इसमें हम यूज करते हैं इज एम आर का, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा सेंटेंस है आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, अब यू से बेटा आप उठा लोगे इसको, ठीक है यू। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, एम। एम कौन से में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। अब यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे और उसके बाद लगाएंगे बींग, यू आर बींग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, हेल्प्ड। उसके बाद बाय मी, बेटा क्लियर है ये, हेलो यस सर, बेटा क्लियर है, तो आपको ऐसे याद रखना है, पहली बात आपको याद रखनी है क्या, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, आपको टेंस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस हम कर रहे हैं। तो देखिए हमने तीन टेंस आपको करवा दिए हैं, चौथा टेंस हम स्टार्ट करवा रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों टेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी लगती है, जब वॉइस चेंज करेंगे तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ये आपको कल लर्न करके आना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटा आज का, क्लियर है। यस सर, क्या करना है आपको, आज क्या लर्न करना है आपको, ये मैंने होमवर्क आपको दे रखा है तीनों टेंसों का, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और जब वॉइस चेंज करेंगे तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा वो आपको याद करना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके okay?